सुहेल अभी भी नाराज है क्या? नहीं नहीं नाराज नहीं, वो खुदा ने शक्ल ऐसी बनाई है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा यार सॉरी, तूने तो बुरा ही मना लिया मेरी बात का। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको, किसी को तकलीफ पहुंचा के उसे सॉरी कहना बहुत अच्छी बात है ना। अब बस भी कर, और ये बता के घर कब चक्कर लगा रहा है। हमीना पूछ रही थी तेरा कि 2 दिन हो गए हैं सोरे भाई ने चक्कर नहीं लगाया। खुदा की कसम मैंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि आइंदा तुझे अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और ना ही तुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा, लेकिन ये जो तूने अमीना भाभी का नाम ले लिया ना, तुझे आज के लिए माफ किया। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने मुझे माफ कर दिया। अब आओगे ना घर? नहीं यार, शादीशुदा दोस्त के घर बार बार जाना कुछ मुनासिब नहीं है। समझदार हो गया, डेट शीट नोट कर ली? हाँ भाई कर ली, जरूरी था। मेरा एक ही पढ़ाकू दोस्त था, वो यहाँ होगा नहीं तो क्या करूंगा मैं, तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी था भाई। गायब तो होना पड़ेगा यार, अब सारी उम्र फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी तो नहीं कर सकता। बस एक दफा ये इंजीनियरिंग खत्म हो जाए ना तो कहीं अच्छी जगह काम कर। फिर आ रहा है ना घर? नहीं यार जरा मुश्किल हो जाएगी, मुझे भी अब पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो अब्बू मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया अगर मैंने सारे पेपर क्लियर नहीं किए तो वो मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजेंगे, इसलिए मेरा पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। ओह तो मजीद पढ़ने जाएगा? हाँ पढ़ने भी जाऊंगा और दुनिया भी देखने जाऊंगा भाई, यहाँ की लड़कियों से मेरा दिल भर चुका, वही रोना धोना, वही मसले मसाइल, वही शक्लें, क्या है यार। अब मैंने सोचा है कि एरिजोना की खाक छानी जाए, हो सकता है कि वहां की संगीन पहाड़ियों से मुझे भी कोई गौरे नायाब मिल जाए यार। बहुत ही खबीस हैं आप। नहीं नहीं खबीस तो मैं हूँ, तू अगर मेरा डीएनए कराएगा ना तो उसमें भी 70% खबासत ही मिलेगी तुझे। 70% नहीं यार, पूरी की पूरी 100%। कैसी बातें कर रहा है यार, इतना खबीस लगता हूँ तुझे। मिलते हैं।